السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال جل وعلا في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान एक ऐसी मखलूक पैदा की है जो अपना रिज़क कमाती भी है, उसको पकाती भी है और खाती है। मखलूकात बहुत हैं लेकिन इस तरह की और कोई मखलूक नहीं। जिन्नात भी खाते हैं लेकिन वो इस तरह ना तो कमाते हैं ना पकाते हैं। परिंदे भी, हैवान भी, हशरात भी खाते हैं लेकिन वो कमाते नहीं हैं और पकाते भी नहीं हैं। इंसान एक ऐसी मखलूक है जो अपना रिज़क कमाती भी है, पकाती भी है और खाती भी है। इसको हुक्म हुआ कि जो भी कमाई करनी है हलाल कमाई करनी है। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अक्सर मुकामात पर जो इंसान को ख़िताब किया है वो तीन तरीके से। पहला, सारी इंसानियत को ख़िताब, या अय्युहन नास। दूसरा, सिर्फ काफिरों को ख़िताब, कुल या अय्युहल काफिरून। तीसरा, सिर्फ अहले ईमान को ख़िताब, या अय्युहल्लज़ीन आमनू। कुरान में अक्सर यही अंदाज है। सिर्फ एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने रसूलों को मुखातब किया, सिर्फ एक मुकाम पर, और वहाँ क्या कहा, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। ए रसूलों, पाक खाओ और नेक अमल करो। अंबिया और रुसुल ये सारी कायनात में सबसे अजीम हस्तियाँ होती हैं। अपने दौर का हर पैगंबर, हर नबी और हर रसूल उस वक़्त के तमाम अफराद से आला और अफजल होता है और उनमें सबसे नेक होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उम्मती ज़्यादा अफजल हो या नेक हो और पैगंबर पीछे हो, ऐसा नहीं। ये अब है कि उलमा पीछे हैं और अवाम आगे हैं, उस वक़्त ऐसा नहीं। जो अंबिया और रुसुल है उस वक़्त वो अपनी उस ज़माने के सबसे नेक होते, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने ये ख़ास हुक्म दिया, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबा, ए रसूलो पाक खाना है, वअमलू सालिहा और नेक अमल करना है। और ईमान वालों को भी कहा, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। ए ईमान वालों, जो हमने तुम्हें रिज़क दिया है ना,
इनमें से पाक खाना हलाल खाना हराम के करीब नहीं जाना। रिज़्क़ हलाल कमाना भी इबादत है, खाना भी इबादत है। रिज़्क़ हराम कमाना भी गुनाह है और खाना भी गुनाह है। रिज़्क़ हलाल के इंसान के जिस्म पर भी असरात होते हैं और ईमान पर भी असरात होते हैं, और रिज़्क़ हराम के ईमान पर भी असरात हैं, जिस्म पर भी असरात हैं। और ये बात वाज़े है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ये हदीस कितनी वाज़े है। अय्युमा लहमिन नबता मिन सुहत कानत नारु औला बिह, जिस जिस्म की ग़िज़ा, जिसका खाना, जिसका पीना, जिसकी परवरिश, जिसकी बढ़ोती हराम के माल से है, फरमाया जहन्नम की आग उसको खाने की ज़्यादा हकदार है। वादे कि जिस इंसान की ग़िज़ा हराम की, खाना हराम का, पीना हराम का, उस जिस्म का हकदार कौन है? जहन्नम की आग। किस कदर बड़ी वाइद है।